हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पक्षी राजन। देखिए, मैंने ये जाल खड़ा करा है बहुत ही ऊंचा, दिखाई दे रहा है आपको? बहुत ही ऊंचा खड़ा करा है मैंने। मैंने इसमें कंक्रीट एक पाया जमाया है, बल्ली को जमाया है मैंने इसमें। मैंने सीमेंट और बदरपुर बारू और रोड़ी किंकर ये मैंने ऐसे इसको जमाया है, घोल करके इसको बल्ली को थोड़ा सा मैंने उसको जमा दिया है, ये इससे जमा दिया। और मैंने इसमें सरिया भी लगाई है मजबूती के लिए, ये भी एक और दो इधर हैं, एक ये है एक नीचे है, और मजबूती के लिए मैंने लगाई है और दो इधर लगाई है। ये इससे जमा रहेगा, बल्ली बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। और मैंने तारों से इसे यहाँ से कस दिया है, एक जगह से मैंने इसे कस दिया है, ये कस दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर एक सुराख करके और उसमें बड़ा सा एक बोल्ट डाला है और मैंने उससे उसको कस दिया है पास को। एक कैची बनाई है मैंने और बदन बांधा है मैंने थोड़ा सा, ये लोहे की इस पर बदन बांधा है मैंने, ताकि बदन जब कबूतर बैठे तो परेशानी ना हो उतारने में, आराम से उतर जाए, भारी बांस नहीं लगे। ये देखिए, ये है जाल। और मैंने इधर उधर तार बांधे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, शायद हाँ ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये तार मैंने लगाए हैं, ये तार, ताकि ये हिले नहीं, हवा तेज हो तो ये हिले नहीं। आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, आपको कोई कबूतर आके बैठेगा तो मैं आपको बंद करके दिखाऊंगा इसको। ये मैंने ऊपर बोल्ट से इसमें डिम मशीन से 3 इंची के छेद करके मैंने बोल्ट कसे हैं इसमें, तीनों, 1 2 3 ऐसे कसे हैं। और कोई कबूतर आके बैठेगा, वैसे अभी मौसम साफ है, कोई बैठेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको दिखाऊंगा कैसे बंद होता है। अब आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।